ये ड्रॉप होना, आपने पैसे डाले ठीक है, उसके बाद आपके फॉलोअर्स ड्रॉप हो गए, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है ना। इस एसएमएम पैनल में ये होता है कि भाई आप रिफिल करवा सकते हो आपके ड्रॉप हुए हुए फॉलोअर्स, ठीक है, तो कितनी बढ़िया बात है। हे गाइस, दिस इज अंकुश शर्मा एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो देखो भाई, वो एक क्वेश्चन ना सभी के दिमाग में आता है जब भी वो एसएमएम पैनल्स यूज करते हैं कि क्या एसएमएम पैनल यूज करने से उनकी इंस्टाग्राम आईडी बैन हो सकती है, लाइक फॉलोअर्स डलवाने से या फिर लाइक डलवाने से या कमेंट डलवाने से। इन शॉर्ट, क्या एसएमएम पैनल यूज करने से आपकी कोई भी सोशल मीडिया आईडी को हार्म हो सकता है? तो इस वीडियो में हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, आपके सारे मिथ को बस्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाँ, जब भी आप लाइक्स या फॉलोअर्स बाय करते हो, जैसे कि मैं करता हूँ अपने बिजनेस को चलाने के लिए और अपने माउस की ईएमआई भरने के लिए, अच्छा, तो ये जो भी अकाउंट्स होते हैं जो आपको लाइक देते हैं या फॉलो करते हैं, ठीक है, ये सारे मास क्रिएटेड अकाउंट होते हैं। तो स्टार्टिंग में मार्क जकरबर्ग भैया या कह लो हमारे इंस्टाग्राम को ये पता नहीं होता है कि ये सारे फेक अकाउंट है या रियल अकाउंट है। वैसे बहुत से अकाउंट तो रियल ही होते हैं, तो जब इनको पता ही नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं ना भाई कि कौन से अकाउंट है। मस्त फॉलोअर्स बढ़ाओ, मस्त लाइक्स बढ़ाओ, अपने ब्रांड के साथ डील करो, क्या चाहिए जिंदगी में, मस्त अपने बिजनेस को बढ़ाओ यार। लेकिन बाय चांस अगर इंस्टाग्राम को पता भी चल जाता है ना, तो वो आपकी आईडी बैन नहीं करेगी, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे पता है, जिस भी एसएमएम पैनल से आपके लाइक या फॉलोअर्स आ रहे हैं ना, उस एसएमएम पैनल का जो आईपी एड्रेस है ना, उसको वो बैन कर देगी, ठीक है। तो आपके जो लाइक्स और फॉलोअर्स आपने जो बढ़ाए होंगे वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लग जाएंगे, सिंपल सी बात। तो देखो, ये ड्रॉप होना, आपने पैसे डाले ठीक है, उसके बाद आपके फॉलोअर्स ड्रॉप हो गए, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है ना। तो भाई एक चीज़ है, मैं आपको एक एसएमएम पैनल सजेस्ट करता हूँ, एसएमएम क्वालिटी, ठीक है। तो इस एसएमएम पैनल में ये होता है कि भाई आप रिफिल करवा सकते हो आपके ड्रॉप हुए हुए फॉलोअर्स, ठीक है, तो कितनी बढ़िया बात है ये। तो अब आपको ये तो समझ आ गया कि आपकी कोई भी आईडी बैन नहीं होगी, ठीक है, सोशल मीडिया की, लेकिन आप मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर पे क्यों ट्रस्ट करोगे? आई नो भाई, बहुत गंदी एक्टिंग है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा लॉजिक है, सबूत के साथ एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। तो देखो, आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे ना बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, लाइक शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए हमारे, ठीक है, और उन सारे बंदों की आईडी ओपन है। अब ऑब्वियसली बात है भाई, सेलिब्रिटी है, आईडी तो ओपन ही होगी। तो अगर आप एसएमएम पैनल्स यूज़ करते हैं ना, तो आपको पता होगा कि लाइक फॉलोअर या कमेंट डलवाने के लिए ना कोई भी आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट की। तो अब देखो, हमारे आमिर खान भी है, हमारे सलमान खान भी है, ठीक है। अब इनके फॉलोअर्स तो बहुत सारे हैं, उसमें से इनके बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो इनको प्यार करते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो इनको हिट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं हूँ, मैं सलमान खान को हिट करता हूँ, या कह लो शाहरुख खान को हिट करता हूँ। तुम मेरा दुश्मन हो, फॉर एग्जाम्पल। हाँ भाई, ऐसा नहीं कि कमेंट करने लग जाओ नीचे, ये शाहरुख खान मेरा फेवरेट, शाहरुख खान मेरा भी फेवरेट है, ठीक है। तो ऐसे तो मैं शाहरुख खान की आईडी पे बहुत सारे फॉलोअर्स डलवा के, लाइक्स डलवा के, कमेंट डलवा के उनकी आईडी को बैन करवा सकता हूँ और मेरी दुश्मनी निकाल सकता हूँ, अगर मैं हिटर हूँ उनका, तो है ना। तो बस भाई, यही सिंपल सा लॉजिक है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज की आईडी जो है वो कब की बैन हो चुकी होती। बस एक ही चीज़ हो सकती है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, आपकी आईडी बैन नहीं होगी, सिर्फ आपके जो फॉलोअर्स आपने बढ़ाए हैं वो ड्रॉप होने लग जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं कौन सा एसएमएम पैनल यूज़ करता हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा एसएमएम क्वालिटी। इनकी सपोर्ट सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सर्विस देते हैं, इनके नाम में ही क्वालिटी है, तो भाई ये बिल्कुल क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और भाई, यहाँ स्कैम के तो दूर दूर तक चांसेस नहीं है एसएमएम क्वालिटी में। और एक चीज़, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है, मेरी आंखों में देखो तुम्हें स्पॉन्सरशिप के पैसे दिख रहे हैं? नहीं ना। बाकी मैंने एसएमएम क्वालिटी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक है, जाके चेकआउट करो वहां से। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।